हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा आठवीं की पाठ्य विषय पानी की कहानी। लेखक है रामचंद्र तिवारी। इस पाठ में लेखक ने पानी के उद्भव, उसकी संरचना और उसके रूपों आदि का सुंदर चित्रण किया है। यह कहानी ओस की बूंद से प्रारंभ होती है। वह स्वयं को बचाने के लिए लेखक से सहायता मांगती है। लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने इस पाठ के माध्यम से ओस की बूंद को जरिया बनाया है। किस तरह से पानी का रूप होता है और किस तरह से संरचना होती है आदि सब उन्होंने बताया है। इस पाठ को हम एनिमेशन के जरिए पढ़ेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुना सुना। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुना सुना। अब मुझसे ना रह गया, मेरे मुख से निकल गया। कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी।
मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसस भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अच्छा, सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नमक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अभी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा? परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी।
उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्ष तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो
पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तक मैं पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायन से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्ष में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टाने लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधा धुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओस्जन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद खिलौने करते फिरते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो एक और को वह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे।
बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। आज हमने पानी की कहानी पढ़ा। धन्यवाद।